केजीएफ से गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले ये एक्टर और फरहान की मां का रोल प्ले करने वाली ये एक्ट्रेस दोनों ही सालार के ट्रेलर में हैं। पर क्या सच में ये दोनों ही कैरेक्टर्स केजीएफ की मूवीज के हैं या फिर प्रशांत नील ने सिर्फ इन्हें इस मूवी के लिए पर्टिकुलरली कास्ट किया है किसी नए कैरेक्टर के अंदर? और साथ ही साथ इंडिया में ऑलरेडी जब केजीएफ जैसा इतना बड़ा एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था तो उसके बाद खान सर जैसा एक और बड़ा एम्पायर इंडिया में कैसे आ गया? अब इससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग थ्योरी है जो कि ये एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअली में खान सर जैसा बड़ा एम्पायर इंडिया में कब और कैसे आ गया और इन स्टैच्यूज का मतलब क्या है जो कि हमें इस सीन के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या केजीएफ और सालार दोनों आपस में कनेक्टेड है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभी एंड आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। हमारी आर्मी किधर है? तो सलार का ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब तुम सुबह एनिमल जैसी इतनी तगड़ी मूवी देख के आओ और घर आके शाम को एक नई मूवी का ट्रेलर देखते हो और वो तुम्हें थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाए तो वो काफी इंप्रेसिव बात होती है। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे ट्रेलर। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने इस ट्रेलर को लेकर उससे कहीं ज्यादा था। और भाई मैं तो सिर्फ प्रभास के लुक्स पे ही सोल्ड हो गया, प्रभास के लुक्स ही काफी थे लोगों को इंप्रेस करने के लिए, बाकी का ट्रेलर तो यूं ही था। अब देखा जाए तो ट्रेलर को बहुत अच्छे तरीके से एडिट किया है, ट्रेलर में एक भी डिटेल ऐसी नहीं है जो कि आपको ये बताए या फिर हिंट दे कि एक्चुअली में ये सालार मूवी आगे जाके केजीएफ से कनेक्ट होगी और ये किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को लीड करेगी। एंड अभी तक जो कुछ भी हमें कंफर्म्ड है वो है सिर्फ ये बंकर्स जो कि सालार के टीजर में देखने को मिले थे और यही बंकर्स हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे केजीएफ चैप्टर 2 के। एंड इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉमिसिंग हिंट नहीं है जो कि एकदम श्योरिटी के साथ हमें बोल सके कि एक्चुअली में दोनों मूवीज कनेक्टेड है। उसके अलावा ये दो एक्टर्स भी हैं जो कि दोनों मूवीज में सिमिलर हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में जो गरुड़ा है केजीएफ मूवी से उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड इसके अलावा केजीएफ मूवी के अंदर इनके बेटे का नाम फरहान होता है और यहाँ तो शायद प्रभास का नाम देवा होने वाला है, तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूजन बनाता है। एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस खानसार एम्पायर की। लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जब इंडिया के अंदर ऑलरेडी केजीएफ जैसा इतना बड़ा एम्पायर था तो खानसार का एम्पायर अचानक से कैसे आ गया? और अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई केजीएफ के तबाह होने के बाद वहीं पे खानसार दोबारा बन गया, क्योंकि ट्रेलर में ये बताया गया है कि हजारों सालों से खानसार की हिस्ट्री है और एक्चुअली में वहां के जंगलों को उन लोगों ने अपना एम्पायर बना लिया बाद में। तो अब अगर मान भी लेते हैं कि केजीएफ और खानसार दो बड़े एम्पायर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर क्यों रॉकी भाई ने खानसार को इन्वेड नहीं किया? वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट क्यों चला गया जबकि उसके खुद की जमीन पे एक राइवल एम्पायर था, यानी कि खुद की कंट्री में एक राइवल एम्पायर था? अब इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, यही पे मेरी थ्योरी आती है कि एक्चुअली में जो पूरा एम्पायर है खानसार का, इतना बड़ा सिटी जो हमें देखने को मिला, ये इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है ईरान कंट्री के अंदर। एंड जो कि ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि भाई क्यों सालार में हमें केजीएफ मूवीज का कोई रेफरेंस नहीं देखने को मिला एंड केजीएफ मूवीज में खानसार के एम्पायर का कोई रेफरेंस या फिर कोई भी क्लू क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि केजीएफ 3 के अंदर एक्चुअली में इंटरनेशनल मार्केट्स को रॉकी भाई के इंटरनेशनल अप्रोच को दिखाने वाले हैं वो लोग। एंड इसीलिए केजीएफ चैप्टर 3 वो मूवी हो सकती है जहां पे हमें सालार के एम्पायर को लेके हिंट्स और कैमियोज भी देखने को मिले। एंड आप मेरी इस थ्योरी को थोड़ा बहुत नॉनसेंस भी बोल सकते हो, लेकिन इसको सॉलिडिफाई करने के लिए मैं ये शॉट आपको दिखाना चाहता हूं जहां पे आप 3 स्टैचूज देख सकते हो। ये बेसिकली इजिप्शियन गॉड्स के स्टैचूज हैं और अब इंडिया के अंदर कोई एम्पायर बना है तो उसमें इजिप्शियन गॉड्स की स्टैचू तो नहीं ही बनेंगे, क्योंकि अपने इंडिया में देखो भगवानों को बहुत माना जाता है और यहाँ भगवानों की कमी बिल्कुल नहीं है, तो इजिप्शियन गॉड्स को यहाँ पे पूजना थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इलॉजिकल लगता है। ये तभी मेक सेंस करेगा जब ये पूरा एम्पायर इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा हो, जहां सबसे पहले जो बीच वाला स्टैचू है ये इजिप्शियन गॉड एपिस से सिमिलर है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला स्टैचू इजिप्शियन गॉड अनुबिस से सिमिलर है। एंड अनुबिस को आप जानते होंगे अगर आपने मार्वल स्टूडियोज की मून नाइट सीरीज देख रखी है। एंड उसी के अलावा ये जो राइट साइड में स्टैचू है ये इजिप्शियन गॉड रा का स्टैचू है, रा RA। बाकी अभी के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है तो इसको 50-50 पकड़ के चलना, ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई यही तुमको पूरी मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा, मैं तुम्हें स्पॉइल कर रहा हूं मूवी के बारे में। लेकिन हाँ, इस थ्योरी के अंदर जो कि मैंने तुम्हें बताई, इसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि वो लूप होल एक्चुअली में है क्या। अब इसके अलावा ट्रेलर के रिलीज के 2-3 दिन पहले प्रशांत नील ने खुद सामने आके बोल दिया कि दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड नहीं है और फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। बट मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ी सस्पिशियस लगी क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई डायरेक्टर या एक्टर कुछ खास मेजर स्टेटमेंट देते हैं मूवी को लेके तो वो
काफी ज्यादा मिसलीडिंग होता है, यूजुअली ऐसा होता है। मतलब एक पल को खुद ही सोचो कि अगर मेरी मूवी रिलीज हो रही है एंड मैंने मूवी के बारे में अभी भी कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी फैंस ये थ्योरी बना रही है कि मेरी मूवी बाहुबली फ्रेंचाइजी से कनेक्टेड होगी एंड बाहुबली का कैरेक्टर मेरी मूवी में आ रहा है, तो मैं सामने से जाके डिनाई क्यों करूं कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ नहीं है। क्योंकि भाई उससे तो मेरा ही लॉस होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैंस आने वाले हैं मेरी मूवी को देखने वो नहीं आएंगे। एंड सिंस मैंने खुद से ही अनाउंस नहीं किया ना कि बाहुबली मेरे मूवी में है, तो मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा या फिर मैं मिसलीड नहीं कर रहा अपने ऑडियंस को। ऑडियंस ने खुद थ्योरी बनाई और वो खुद हाइप्ड अप है मेरी मूवी के लिए किसी और की वजह से। तो तुम एक पल के लिए खुद ही सोचो कि क्यों कोई बंदा अपनी मूवी की हाइप गिराने की कोशिश करेगा। अब मैं यहां तुम्हारे अंदर कोई ऐसा होप जगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं कि थोड़ा सस्पिशियस जरूर है ये। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, थ्योरी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।